गया जिला प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहते हैं? गया जिला प्रशासन से मैं मुतवाना गुजारिश करता हूं कि हमारे मोहल्ले में वार्ड नंबर 7 में जो खाने की सामग्री बच्चे लोग बना करके या ऐसे बांट रहे थे, कितने लोगों गरीब लोगों का जो है पेट भर रहा था, और ये सूचना जो है कोतवाली थाना अध्यक्ष को दिया हुआ था 26 तारीख के डेट में, और उस तरह से गरीबों को जो है सलम एरिया है गरीबों को जो बांटा जा रहा था, और फिर पता नहीं कोतवाली से जो है एक बैग जो है ये इसमें निकला पेपर में कि भाई जो जो ये कर रहे हैं उन पर FIR होगा, और FIR हो भी गया। तो हम DGP से और यहाँ के DM साहब और SP साहब और सिटी DSP साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि ये जो हुआ है सर इसको देखा जाए, और देख कर करके अगर ठीक है हम लोग को बांटने में कोई आपत्ति है तो आप प्रशासन की ओर से इस मोहल्ले में जितने भी गरीब हैं उनका भेज के लोग मर जाएंगे। लंबा 3 मई तक जो है लॉकडाउन हो गया है, तो जो लोग रोज खाते कमाते हैं उनका व्यवस्था कैसे होगा? आज तक एक दिन भी प्रशासन की ओर से या किसी संस्था की ओर से या किसी MLA या किसी की ओर से यहाँ नहीं बांटा गया है। तो इस पर जो है आप ध्यानपूर्वक जो है इस बात को देखिए, और जो हुआ है इस पर भी ध्यान दें। बच्चे लोग को बताइए, मतलब कि बांटने का काम भी कर रहा था और तो केस भी हो गया है। आपने कहा कि गया जिला प्रशासन की तरफ से एक दिन भी ये बांटने का काम नहीं किया गया, तो क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है। पता लगा लें, ये अपने स्तर से पता लगा लें कि हाँ भाई किसी ने बांटा है कि नहीं बांटा है, प्रशासन की ओर से या गवर्नमेंट की ओर से या किसी की ओर से, या मेरे यहाँ की जो है लोकल MP है, MP जो है विजय मांझी है, और ये जो है हमारे प्रेम कुमार जो है MLA हैं, इनके माध्यम से कभी किसी तरह का। आपके एरिया में आपके वार्ड में नहीं बांटा गया है, लेकिन और दूसरे वार्ड में तो बांटा गया है शायद। तो इससे तो ये पता चलता है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इससे तो पता ये चलता है कि एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा वाली बात हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। गरीब कोई भी है तो हर गरीब को मिलना चाहिए, और बहुत परेशान हाल में हम लोग जो रोज देख रहे हैं, और उसके लिए जो परेशानी जो देख रहे थे उसी के मद्देनजर हम लोग कदम उठाए थे और लोगों को खाना दे रहे थे गरीबों को, और उसके एवज में जो है कुछ बच्चों लोग पर जो है FIR हो गया है, इसका हम निंदा करते हैं। और ये आवाज़ DGP साहब को भी हम लोग देंगे, उठाएंगे, और उनसे भी कहेंगे कि भाई इसको देखा जाए, स्पेशली आप इसको देखिए ताकि आइंदा जो है गरीबों को जो है सहायता करने का मौका मिले हम लोग को। अपना नाम बता दीजिए। अख्तर अकेला, वार्ड नंबर 6, मालला पंजीतिया खड़ा, वार्ड नंबर 7, सॉरी।